यूपी में विधान परिषद की 36 सीटों पर वोटिंग आज, बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला। बिहार में रामनवमी को लेकर प्रशासन हुई सख्त, बेगूसराय और भागलपुर के साथ ही कई जिलों में सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च। दक्षिणी कश्मीर में दो जगह आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर, कई हिस्सों में इंटरनेट बंद। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है, मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं, जहां यूपी में 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यूपी में 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर नजर आ रही है। बड़ी खबर, जहां बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर, कांग्रेस बीएसपी ने एमएलसी चुनाव में नहीं उतारा कोई उम्मीदवार। तो देखिए, कांग्रेस और बीएसपी ने एमएलसी चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 12 अप्रैल को वोटों की गिनती की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की जाएगी। चुनाव में सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो विधान परिषद में चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा गया है। हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। खबर पर अधिक जानकारी के हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर बरेली से जुड़ गए हैं। अभिषेक, 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं, क्या कुछ अपडेट? जी आपको बता दें, फिलहाल यहाँ पर पुलिस के द्वारा सारी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। फिलहाल अभी मतदाता अभी आए नहीं है, फिलहाल मतदाताओं के जो एजेंट है वो पोलिंग बूथ पर अवेलेबल है। आपको बता दें, बरेली रामपुर सीट से 3 एमएलसी प्रत्याशी है, जिसमें समाजवादी पार्टी से मस्तूर मुन्ना है, वही भाजपा से महाराज सिंह है, वह अन्य एक निर्दलीय प्रत्याशी है, इनका नाम अक्षर अंसारी है। वहीं आपको बताना चाहूंगा मैं, 28 टोटल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 21 पोलिंग बूथ बरेली में है और 7 पोलिंग बूथ रामपुर में बनाए गए हैं। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे, 350 वोटर ऐसे हैं जिनको हेल्पर भी अवेलेबल कराए गए हैं। और कुल मिला के अभी देखने वाली बात ये होगी, किसके हिस्से में आती है जीत, किसके हिस्से में आती है हार। फिलहाल अभी वोटिंग प्रक्रिया की सारी व्यवस्थाएं शुरू हो गई है, लेकिन फिलहाल अभी मतदाता मतगणना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। अभिषेक, हम ये भी जानकारी चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस और बीएसपी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, सीधे आमने सामने की टक्कर यहाँ पर सपा और बीजेपी के बीच है। इस टक्कर में क्या लगता है, संभावित तौर पर क्या कुछ हम तस्वीरें देख सकते हैं? जी आपको बता दें, कांग्रेस और बीएसपी के द्वारा एमएलसी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की कड़ी टक्कर होने के आसार है और इन्हीं दो प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर होगी। बिल्कुल अभिषेक, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यूपी में 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यहां पर सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को एमएलसी चुनाव में नहीं उतारा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो भी इस बार चुनावी मैदान में जरूर उतरे हैं। तो देखिए, 12 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी, 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं, वोटिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की जाएगी और चुनाव में सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव जो है उसको लेकर मतदान शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, वहां पर फिलहाल एमएलसी चुनाव को लेकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी, जैसा कि आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर में एमएलसी चुनाव को पूर्ण कर दी गई है। हालांकि अगर आपको हम बताते चले कि सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी 3 दिवसीय सुल्तानपुर आ रही है, तो लेकर लगभग 12 बजे माँ के रूप में एक जाकर बच्चों को जो है वोट अपना मतदान करेंगी। ये भी जानना चाहेंगे आशुतोष के, फिलहाल पोलिंग बूथ पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहां पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, तस्वीरें क्या है फिलहाल पोलिंग बूथ पर? देखिए, सुबह लगभग बता दें आपको, लगभग 8 बजे से जो है तैयारी कर दी जाएगी मतदान को लेकर, और
प्रशासनिक अगर हम बात करते हैं, प्रशासन की भी जो है पूरी तरीके से जो है तैयारी की गई है, हालांकि जो है कोई सुरक्षा की नजर पूरी रखी गई है। बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है यहाँ पर, और अगर जिक्र करें तो अगर बात करें तो पोलिंग पार्टियों को कल ही अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया था, और इसी बीच बात करें तो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और ऐसे में अगर सीधी टक्कर की बात कर ले तो सीधी टक्कर यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच नजर आ रही है। तो देखिए सुबह 8 बजे से ही जो वोटिंग है वो शुरू होने वाली थी, हालांकि अब से कुछ ही देर में जो जनप्रतिनिधि है वो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं, जन संवाद यात्रा के क्रम में सीएम नीतीश कुमार नालंदा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार बने प्रखंड पहुंचे, जहां मंत्री श्रवण कुमार ने उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच 2 साल काफी कष्टमय कटे हैं, और इसने न सिर्फ हमें बल्कि प्रदेश और देश के लोगों को काफी पीड़ा दी है, अपने बीच के लोगों को छीना है, हंसते खेलते परिवार को पल भर में गमों के समुद्र में ढकेल दिया है। चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है वो आपको बता देते हैं, छपरा में यूपी के डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां छपरा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां हमले में 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है, रोड रेज में घटना होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर, जहां छपरा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला किया गया है। दरअसल पथराव किए गए उनके काफिले पर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सम्राट अशोक जयंती में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और कार्यक्रम के बाद चार्टर विमान से यूपी लौट गए थे डिप्टी सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छपरा से हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, केशव प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव किया गया था, क्या वजह सामने आ रही है और फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये बीती रात की घटना है, जहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य की पटना में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जिसके बाद से उनके जो काफिले हैं वो छपरा होते हुए जा रही थी यूपी। हालांकि सबसे बड़ी बात ये थी कि जो गाड़ी में केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित नहीं थे, वो पटना से ही फ्लाइट से चले गए थे, लेकिन जो काफिले पे हमला की गई है उसमें पत्थरबाजी भी किया गया है। बताया ये जा रहा है कि एक युवक था जो कि बाहर कुछ सामान लेने पहुंचा था, जिसके बाद काफिले ने उनके बाइक से टक्कर मार दिया, जिसके बाद मामला बिगड़ते चला गया और युवक ने कुछ दोस्तों के साथ पत्थरबाजी कर दिया, जिसमें गाड़ी का शीशा भी फूटा हुआ है, और उसके बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की प्रक्रिया जारी है। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ आकर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिला प्रशासन को भी बड़ा सवाल उठ गया है कि यूपी के उप मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से, क्योंकि लगातार छपरा में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, और सबसे बड़ा सवाल है कि जब यूपी के उप मुख्यमंत्री के काफिले पर जब हमला हो जाती है तो एक बड़ा सवाल उठता है। जी मनीष, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बताया जिस तरीके से कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछने की कोशिश की जा रही है, आपने ये भी बताया कि प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये जो सुरक्षा में लगातार चूक हो जाती है या फिर इस तरीके की आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, प्रशासन के दावे और तमाम वादे यहाँ पर फेल भी होते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभा रही है ये भी लगातार सवाल उठ रहे हैं।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि प्रशासन से भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जबकि किसी प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेवारी होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें चूक हो रही है, क्योंकि जो यूपी के उप मुख्यमंत्री खेतों पर तंग होते हैं, उनके काफिले पर हमला हुआ है, तो कहीं ना जब मुख्यमंत्री के काफिले पर जब हमला होती है तो आम लोग राम भरोसे ही चल रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, राम भरोसे ही आम लोग चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि केशव प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ, पथराव किया गया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछने की कोशिश लगातार जारी है कि आखिर किस वजह से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद अब समीक्षा का दौर जारी है। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस ने बेगूसराय से एक सीट जीती है, वहीं एक सीट पूर्वी चंपारण में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने जीती है। हालांकि इस जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, हमारा प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था, अच्छा होता कि महागठबंधन के सभी दल चुनाव साथ लड़ते, 13 से 14 सीटें आराम से जीत जाते। तो देखिए कि आपको बता दें कि कांग्रेस ने जिस तरीके से एमएलसी चुनाव में प्रदर्शन किया है, इसके बाद से आपको बता दें कि अब समीक्षा का दौर जारी है और ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने ये कहा कि अगर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते तो नतीजे और बेहतर आ सकते थे। निश्चित रूप से आप बेगूसराय की सीट और मोतिहारी की सीट दोनों पर हम लोग जीत हासिल किए हैं। हम वहाँ के जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इस परिस्थिति में भी उन्होंने हम पर विश्वास जताया है। इधर जहां हार और जीत के बाद समीक्षा का दौर जारी है, वहीं वैशाली में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जीत के बाद पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रिंस राज का पटना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी के जीत के बाद सभी उत्साहित नेताओं ने विपक्ष में बोलने पर हमला बोला तो मतदान जनप्रतिनिधियों का आभार भी व्यक्त किया। ये जीत जो है, भूषण जी का जीत जो है, इसके लिए मैं हाजीपुर की जनता को तहे दिल से, हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ और बिहार के लोगों को मैं बधाई देता हूँ। और एनडीए गठबंधन की जीत भविष्य का संकेत बताता है कि आने वाला समय में एनडीए गठबंधन के पक्ष में ही हमारी सरकार बनेगी। मेरे बहुत खुशी की बात है, पहली जब से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी और उसके बैनर तले पहली बार हम लोगों ने टिकट दिया और पहली बार ही हम लोगों की सफलता हम लोगों को मिली है। इसके लिए मैं बिहार की जनता को, खासकर हाजीपुर की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सही निर्णय लिया। जो मुझे मिला है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी सारे लोगों ने जो वैशाली जिला में हमारे चुनाव में मदद किया और मैं आश्वस्त था कि मैं जीतूंगा। मुझे बहुत वैशाली जिला में दुलार प्यार और सहयोग आशीर्वाद। खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड के पूर्व प्रमुख चांद यादव का हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल यह वीडियो बीती रात की बताई जा रही है, जिसमें बलवीर चांद उर्फ चांद यादव गैर लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग करते देखा गया है। आपको बता दें कि चांद यादव मानसी प्रखंड के पूर्व प्रमुख हैं, वर्तमान में पश्चिमी ठाठा पंचायत से पंचायत समिति सदस्य हैं। वे जेल में बंद खगड़िया के पूर्व विधायक रणवीर यादव के छोटे भाई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद खगड़िया एसपी अमितेश कुमार के आदेश पर मानसी थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मानसी थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार ने बताया कि चांद यादव की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। राजीव दास चुनाव जीत गए हैं, जीत गए चुनाव। फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले
घरेलू छुट्टे। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामनवमी को लेकर पूजा अर्चना करने के लिए आने वाले भक्तजनों और व्यवसायिक वाहन पटना स्टेशन गोलंबर के पास स्थित महावीर मंदिर तक नहीं जाएंगे। ये व्यवस्था शनिवार की सुबह 8 बजे से ही लागू कर दी जाएगी और वाहनों को महावीर मंदिर से पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस बल की तैनाती महावीर मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में रहेगी। रामनवमी को लेकर जिले के कई इलाकों से जुलूस भी महावीर मंदिर तक आते हैं। इसे लेकर शहर की यातायात व्यवस्था आज से बदली रहेगी। यातायात की यह व्यवस्था 9 अप्रैल की शाम 8 बजे से लेकर 10 अप्रैल की रात 11 बजे तक रहेगी, लेकिन असामाजिक सेवा आकस्मिक सेवा की गाड़ियों को आने जाने की इजाजत दी जाएगी। तो देखिए, रामनवमी को लेकर कई सारी व्यवस्थाएं की गई है और इस बीच जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बात करें तो राजधानी पटना का या फिर बिहार का सब प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जिसको लेकर के तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से की गई हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था है और कई रूटों में बदलाव भी किए गए हैं। चैत्र नवरात्र को लेकर इन दिनों भक्त माँ के दरबार में मत्था टेकने जा रहे हैं। यूं तो बिहार में माँ आदिशक्ति के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहाँ नवरात्र के दिनों में भक्तों का तांता लगता है, लेकिन इनमें से एक पश्चिमी चंपारण स्थित माँ कालिका का मंदिर विश्व विख्यात है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बगहा में स्थित सोमेश्वर की पहाड़ियों की गोद में विराजमान है माँ कालिका का मंदिर। यूं तो 12 माह यहाँ माँ के भक्त अपनी मनोकामना लेकर माँ काली के पास शीश नवाने आते हैं। खास तौर पर नवरात्र के दिनों में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं। इन दिनों चैत्र नवरात्रों की धूम है, इसे लेकर यहाँ श्रद्धालुओं का जत्था पहुंच रहा है। बगहा के रामनगर से 36 किलोमीटर दूर सोमेश्वर पर्वत शिखर पर माता कालिका के दर्शन करने के लिए बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और नेपाल से भी बड़ी तादाद में भक्तगण यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पहुंचना इतना आसान नहीं, माँ कालिका मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम है। प्रकृति की अनुपम छटाओं के बीच दुर्गम पहाड़ों और जंगलों के रास्ते सोमेश्वर तक के सफर को भक्त तय करते हैं। इतना ऊंचा चढ़ाई है माँ कालिका का, माता हर मन्नत पूरा होता है, इसीलिए हम मन में श्रद्धा लेकर कुछ मन्नत आए हैं जो माता जरूर पूरा करेंगे। बस इतना ऊपर चढ़ाई करके हम लोग इसलिए आए हैं कि कम से कम हम लोग का माता जी का जो आशीर्वाद बना रहे और हम लोग का मन्नत पूरा होता है। माँ काली के मंदिर तक पहुँचने का रास्ता तो कठिन है, लेकिन भक्त बताते हैं कि मन में अगर सच्ची श्रद्धा हो तो माँ हमेशा अपने भक्तों को अपने पास बुलाती है। इतनी ऊंची पहाड़ों की चोटी पर चढ़ना आसान तो नहीं, लेकिन यहाँ के लोग भी मानवता की सेवा बड़े ही सद्भाव से करते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी शिवशंकर अपने कंधे पर जल लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़कर आते हैं, जहाँ वो माँ काली के भक्तों की सेवा करते हैं। हम लोग चना में ठगली ले जाते हैं, ये जनता लोगों का सेवा करते हैं। मंदिर के बारे में डीटीवी भारत से बातचीत में मंदिर के पुजारी ने बताया, ये मंदिर सालों पुराना है। खास बात तो ये है कि अवशेष के रूप में सोमेश्वर की चोटी पर रहसो गुरु का खलिहान, पत्थर की नाव और पहाड़ फाड़ कर निकला हुआ कंगन सहित माता का हाथ आज भी यहाँ मौजूद है, जो कि अब पत्थर बन चुका है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भद्रहरि ने इस दुर्गम पहाड़ी को दशकों तक अपनी साधना स्थली बनाई। हम जब पहाड़ से हम जब यहाँ आए थे तब यहाँ सोमेश्वर गढ़ी ही था, ये माता जी का मंदिर नहीं था। गढ़ी में जब देवी है तो देवी के लिए बैठने के लिए जगह स्थान होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। ये इलाका भारत नेपाल की सीमा पर पड़ता है,
जाहिर सी बात है सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जगह बेहद महत्वपूर्ण भी है। इसको लेकर एसएसबी के जवान भी अलर्ट मोड पर हैं और दिन रात काम करते हैं। नवरात्र को लेकर यहाँ प्रतिदिन भक्तों के आने का तांता लग रहा है और इसको लेकर बगहा के एसएसबी 65वीं वाहिनी के सेना नायक पंकज डंगवाल ने बताया कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हैं, भक्त को पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। वहाँ पर जो है नो मैंस लैंड है, नो मैंस लैंड पे ही ये सोमेश्वर एक मंदिर है जिसका हम दोनों ही मिलके उसका वो क्योंकि धार्मिक दोनों देशों का उसमें धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। चैत्र नवरात्र के इस शुभ मौके पर 2 साल के बाद सोमेश्वर यात्रा पर श्रद्धालु माँ कालिका के मंदिर दर्शन को जा रहे हैं। भक्तों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। बगहा से डीटीवी भारत संवाददाता अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। दक्षिणी कश्मीर में 2 जगह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। पहला एनकाउंटर अनंतनाग के सिरहमा में चल रहा है जहां 1-2 आतंकवादी छिपे हुए हैं। दूसरा एनकाउंटर आपको बता दें कि कुलगाम जिले के हाजीपोरा के दमहल में चल रही है जहाँ 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। दक्षिणी कश्मीर के कई हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी दहशत फैलाने की कोशिश करते रहते हैं जिनका सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों बुधवार को पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों अंसार गजवतुल हिंद और लश्कर ए तोयबा के 2 आतंकवादी मारे गए थे। तो दक्षिणी कश्मीर में आपको बता दें कि सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच जो मुठभेड़ है वो जारी है। हालांकि पिछले बुधवार को कई सारे आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार भी गिराया था। तो लगातार मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सैनिक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।